आरजेडी सुरक्षित रही है शुरू से। बिहार में कोई कांग्रेसी का औकात नहीं, लालू यादव के बगैर आरजेडी का न कोई औकात था न औकात है। जमीन की राजनीति आरजेडी लालू यादव के बाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत, मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। बिहार में राजनीति तो होती रहती है, आए दिन कोई ना कोई ऐसा मुद्दा होता है जिसको लेकर चाहे तो विपक्ष सरकार यानी सत्ता पक्ष पर निशाना साधती है, या फिर कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि विपक्ष के नेताओं पर ही सवाल खड़े करते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है इस बार भी। महागठबंधन की बात करें तो बिहार में महागठबंधन को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है। एक तरफ जहां कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि अब हम महागठबंधन का हिस्सा नहीं है, तो दूसरी ओर अब भी राजद इस बात को लेकर कुछ भी कहने से इनकार करती है, कुछ भी साफ बोलने से कतराती है। चलिए बात करते हैं जाप के सुप्रीमो की। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव यानी जाप पार्टी का भी बिहार में कई बार एक अहम योगदान रहा है। चाहे वो कोई भी मुद्दा हो उसको लेकर जाप यानी कि पप्पू यादव, जाप के जो सुप्रीमो हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ सड़क पर उतरते हैं। कोई भी मुद्दा हो सरकार से सवाल पूछने का, उसको लेकर भी लगातार पप्पू यादव उन मुद्दों पर काम करते हैं। तो जाप का भी एक अहम योगदान कह सकते हैं कि बिहार में है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव वैसे तो कई बार विपक्ष पर निशाना साधते नज़र आते हैं, आरजेडी पर निशाना साधते नज़र आते हैं, लेकिन पहले वो कांग्रेस पर भी निशाना साधते थे। जब से उनके कांग्रेस में जाने की खबरें सामने आई हैं तब से कांग्रेस के प्रति उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो लगातार सामने आ रहा है। पप्पू यादव ने इसी को लेकर एक बड़ी बात कह दी है। पप्पू यादव ने कहा है कि राजद में लालू यादव के बिना राजद की कोई हैसियत ना है, न थी और ना रहेगी। पप्पू यादव ने साफ तौर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए उन्हें नासमझ नेता बता दिया है। पप्पू यादव ने कहा कि ऐसे नासमझ नेता की बात मैं नहीं करना चाहता जिनके सामने ही उनके विधायक उनके कर्मी पिटते रहें, लेकिन उन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ तक नहीं उठाई। जरा सुनिए सबसे पहले पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा। औकात नहीं, बिहार में कोई कांग्रेसी का औकात नहीं, तो लालू यादव के बगैर आरजेडी का न कोई औकात था न औकात है, न आरजेडी का किसी का औकात है। कांग्रेस से आरजेडी सुरक्षित रही है शुरू से, और जमीन की राजनीति आरजेडी लालू यादव के बाद कोई भी पार्टी, और आरजेडी को तो 75 MLA होने के बाद सदन में जब विपक्ष का नेता अपने विधायक और विधायिका को नहीं बचा पाया, अपने वर्कर की बात और बिहार की जनता पानी बार स्टूडेंट पर लाठी चली जब ट्वीट नहीं किया, तो इतने भरे ना समझ व्यक्ति के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। बिहार के लिए ऐसे कोई भी नेता नासूर है। 75 MLA वो कोई सवाल नहीं है। कांग्रेस के हर वर्कर की वजूद है, हर वर्कर से राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और सोनिया जी हैं। कांग्रेस वर्कर को तवज्जो देती है। कांग्रेस ही एक डेमोक्रेटिक पार्टी है जो नीचे से ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे नहीं। ये बीजेपी नहीं है। आप ऋषि मिश्रा की बात कर रहे हैं क्या? A to Z A to Z नहीं है, 300 से 47, 56 से 55। जमीन माफिया से शराब और बालू से लेके गिट्टी माफिया से लेकर टेंडर माफिया, आरजेडी उसकी पार्टी है। आरजेडी कभी भी जीवन में भले और अच्छे आदमी की पार्टी हो ही नहीं सकती। आरजेडी वैचारिक आदमी की पार्टी हो ही नहीं सकती। आरजेडी लफंगे लुफिये माफिया
दंगाई, जातीय उन्माद, कुत्ता के नंगड़ी में जितना घी लगा लीजिए नंगड़ी टेहरान सीधा नहीं होगा। मुंह में राम, बगल में छुरी, नहियों कम तो थोरम थोरी। समुद्र से एक लोटा पानी निकाल लेने से समुद्र का वजूद खत्म नहीं होता, और गंगा जल देह पर छिड़क लेने से पापी और कुकर्मी का शरीर शुद्ध और मन शुद्ध नहीं हो सकता। हमेशा गरियाओगे तुम दूसरे जात को, कुर्मी को गरियाओगे, ए टू जेड कहां से होगा, सीधा कुर्मी को गरियाते हो। जो तुम्हारे तरफ नहीं आए वो ए टू जेड में नहीं है। राष्ट्र कवि दिनकर नहीं, विद्यापति कवि नहीं, रेणु नहीं, कृष्ण को मानने वाला नहीं, 47-56 चलाने वाला इनका ए टू जेड है। वो है भूमिहार, वो है जाधव, वो है राजपूत, जो इनको चढ़ावा चढ़ाएंगे। और एमएलसी के में भी 6 करोड़ 8 करोड़ रुपया तराजू पर तौल के देंगे। इनका ए टू जेड है पैसा से माल से गाल तक। तो सुना आपने, पप्पू यादव जमकर बरसे हैं तेजस्वी यादव पर, राजद के कई नेताओं पर तेजस्वी यादव ने सवाल किए हैं, और इसी के साथ पप्पू यादव ने यह भी कह दिया है कि कांग्रेस के साथ ही राजद का वजूद था, कांग्रेस के बिना राजद का कोई वजूद नहीं है। साफ तौर पर आपको बताते चले कि देश में यानी केंद्र में भी गठबंधन में है आरजेडी और कांग्रेस। ऐसे में यूपीए में जब दोनों साथ हैं तो बिहार में महागठबंधन अब बस टूट चुका है, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इस बात को साफ कर दिया है कि अब वो महागठबंधन का उनकी पार्टी हिस्सा नहीं बनी है। तो ऐसे में महागठबंधन बिहार में टूट चुका है, कांग्रेस राजद अब साथ नहीं है, तो पप्पू यादव ने कांग्रेस के समर्थन में बोलना शुरू कर दिया है और राजद के नेता यानी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का विरोध जताना शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव को उन्होंने नासमझ कहते हुए लालू यादव को नेता करार दिया है और कहा है कि लालू यादव थे तब राजद थी, अब राजद का कोई हैसियत नहीं है। तो अब देखना यह है कि बिहार की राजनीति अब कौन सा करवट लेती है। एक तरफ जहां कांग्रेस खुद को अलग मानती है, तो अब भी लालू यादव काफ़ी प्रयासरत हैं कि कांग्रेस और राजद अलग ना हो, यानी इन दोनों का जो गठबंधन है वो ना टूटे। हालांकि इसको लेकर अब तक कुछ अच्छे कदम नहीं उठाए गए हैं राजद की ओर से, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हों या फिर लालू यादव हों। जब एमएलसी चुनाव की बात थी तो खुद उन्होंने अकेले 23 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया, जिसको लेकर कांग्रेस नाराज़ हो गई, और अब ये नाराज़गी तो ख़त्म नहीं होने वाली है। अब देखना यह है कि लालू यादव कांग्रेस की नाराज़गी को क्या दूर करते हैं, या फिर बिहार में कांग्रेस और राजद अब अलग अलग पार्टी बनकर रह जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप देखते रहिए डीटीवी भारत। डीटीवी भारत को तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पर दिन भर की बड़ी खबरें देखें, और साथ ही आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो करना, लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।